संविधान बाबा साहब का फोटो लगा के पूरा संविधान के ऊपर हमको बोलना है, संविधान को लेके जाना है, बाकी कुछ बोलना है उसके लिए परमिशन अलग अलग तरीके से प्रोग्राम किए जा सकते हैं, उसके बारे में किसी का सुझाव रहेगा तो आप अभी दे सकते हैं। मैंने अध्यक्ष जी ने विश्व में क्या कहा था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे को एक निवेदन दिया था 2014 से 2019 तक ये सरकार लीड लेते हैं तो उनको समर्थन देना, उनमें सहयोग करना हमारा काम है बेसिक कांग्रेस का। फिर लोग जो फ्रंटल भी है और बेसिक कांग्रेस के जो लोग हैं कि हमको परमिशन नहीं मिल रहा है एनपीआर के बारे में, हम लोग आंदोलन करना चाह रहे हैं केंद्र सरकार के, सबको नोटिस आए, जब जब परमिशन मांगने गए जिस जिले में, हम लोग 500 मीटिंग कर रहे थे लेकिन परमिशन ही नहीं मिल रहा, तो एक नया नाम देके संविधान जाधव के नाम पे या कोई उनका प्रमुख अगर जिससे अजेंडा है तो हमारे जिले में रहती है, भरत पारेख रहते हैं या यशवंत जी रहते हैं या हमारे जिले में जो सेल के लोग हैं, तो उनको भी हमने बुलाना चाहिए। अगर हम लोग उनको बाजू में रखें कि पीसीसी मेंबर्स की भी जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है, हम लोग हमेशा रिप्लेन करते हैं पीसीसी मेंबर बने, मतलब व्हाट्सएप पे अलग अलग मैसेज डालते हैं किसी के खिलाफ, तो जिला लेकर पीसीसी मेंबर्स को भी मीटिंग में बुलाना चाहिए जो आते हैं उस टाइम भी वेगवेगळ्या कोर्टामध्ये केसेस असायच्या। आता फक्त बऱ्याचशा केसेस 90% केसेस या शिवणी कोर्टामध्ये पॉलिटिकल सगळ्या ट्रान्सफर केल्या असेल 25 नंबर कोर्टामध्ये, तरी देखील काही केसेस जर मुरली कोर्टामध्ये त्याच्यामध्ये आधार पॅनल असतील या कोर्टामध्ये एफएम कोर्टामध्ये असेल गिरगाव कोर्टामध्ये असतील पत्र लिखो, तो हमने मुंबई के पदाधिकारी ब्लॉक अध्यक्ष सबको एक लेटर लिखा है कि भाई आपके ऊपर जो केस है उसका डिटेल हमको दीजिए। आज तक 4 या 5 लोगों ने खाली हमको डिटेल दिया, अगर वो डिटेल लेके हम लोग जाते हैं तो किसी की केस पेंडिंग रहेगी तो उसका जिम्मेदार हम लोग ले लेंगे, कम से कम 7 दिन में आप भेजो जल्दी तो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ना कि उन्होंने कहा है कि केस नंबर क्या है, कौन सा सेक्शन लगा है, सीआर नंबर क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसमें कितने आरोपी है वो हम लोग ढूंढ लेंगे। हो गया वीडियो तुम्हारा निकालो, नहीं नहीं वीडियो चल जो बीजेपी लोग जाते हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। सवाल ये है हम सत्ता पे रहेगा तो ही देश का समाज का स्टेट का सेवा कर सकते हैं, ये गलत नहीं है। सेवा करने वाले सत्ता हो या ना हो तो सेवा करते रहेंगे, ये खाली सत्ता की सेवा करते रहेंगे इनके बारे में। शिव जयंती जो है हम लोग शिवाय जयंती बनाएंगे तो हमें कुछ हल नहीं, महापुरुष के विचार गुरुओं तक पहुँचाना सामने रखना करना इन सब का फर्ज है और वो फर्ज का हमेशा निभाते हैं। सच बोलेगा तो मैं शिवाजी महाराज ने पहले हो गए तो सब कांग्रेस वाले ने किया है, कांग्रेस ने शिवाजी को ज़्यादा सम्मान देने का काम किया है लेकिन उसका लड़ाई में फायदा सर 2022 के जो इलेक्शन आने वाले हैं, 2022 के जो इलेक्शन आने उसकी क्या तैयारी चल रही है? 2022 में हमारे सब कार्यकर्ता अपने अपने स्थान पर हैं, यही हमारी तैयारी है। सर मध्य प्रदेश में जो ये ड्रामा हुआ उसके बारे में कुछ कहेंगे?